जिन्होंने किस मजबूरी में भाजपा का हाथ पकड़ा, मिशन घोटाला के डर से या जेल जाने के डर से, हम जहां भी जाते हैं लोग कहे थे कि वोट जाएंगे देवे, लेकिन मसोमात पेंशन और विधवा पेंशन जो नहीं मिले थे, चौल गेहूं नहीं मिले थे, इंदिरा आवास का पैसा नहीं मिलता है, ये हम आपको जरूर समझाएंगे कि मसोमात, विधवा पेंशन, खाद्य सुरक्षा योजना तो कांग्रेस की है, लेकिन उसका पैसा अभी नीतीश बाबू और मोदी साहब को देना था। लगभग 40% का नाम विधवा पेंशन हो, मसोमात हो, खाद्य सुरक्षा का चावल गेहूं हो, काट दिया गया है किसी किसी बहाने से और उनको पैसा नहीं मिलता है। जिन लोगों ने आपको ठगने का काम किया, उनको हम लोगों को सबक सिखाना है। आजकल बहुत सोशल मीडिया में फेमस है कि नरेंद्र मोदी चौकीदार है, तो सब उनको अपने आगे लिखते हैं, चौकीदार अमित शाह, चौकीदार नरेंद्र मोदी, जितना मंत्री सांसद उनका कार्यकर्ता है सब चौकीदार है। तो हम लोग बोले भैया, नोटबंदी में भी आप लोगों का नौकरी खा लिए, ऐसे भी 10 करोड़ नौकरी नहीं दिए, अब चौकीदार भी तो छोड़ दियो, चौकीदारों के नौकरी मोदी साहब खा लेंगे तो चौकीदार क्या करेगा। और दूसरा, देश का चौकीदार हमें कैसा चाहिए। राफेल घोटाला हुआ, कांग्रेस और गठबंधन के राजद के सबके साथी हम लोग कहते रहे ये बहुत बड़ा घोटाला है, सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची, जज ने जब कहा कि मोदी साहब अगर आप कहते हैं कि घोटाला नहीं है तो फाइल दिखाइए, तो बोले रक्षा मंत्रालय में पड़ी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से फाइल मंगाने के लिए कहा, तो वकील साहब कहते हैं भाजपा सरकार के कि हुजूर, रक्षा मंत्रालय से फाइल चोरी हो गया। अब रक्षा मंत्रालय से जब फाइल चोरी हो जाती है तो ऐसा चौकीदार हम लोगों की रक्षा करेगा, ऐसा चौकीदार चाहिए भी बोलियो ना, वैसे भी वो चौकीदारी जनता की नहीं कर रहे हैं, गरीब की नहीं कर रहे हैं, किसान की नहीं कर रहे हैं, युवाओं की नहीं कर रहे हैं, वो चौकीदारी कर रहे हैं नीरव मोदी का, अडानी का, अनिल अंबानी का, मेहुल चौकसी का, जितने पूंजीपति लोग हैं उनकी चौकीदारी कर रहे हैं, वही लोग चौकीदार रखते हैं। तो जनता को ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि बहुत जात है, दलित है, यादव है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, कुशवाहा है, मंगल है, लेकिन मल्ला है, सही मायने में देखिए तो दो ही तो जात है, एक हम सब महिला जात है, हाँ सब पुरुष जात है, ठीक है ना। तो हम सोचते कि लोग राजनीति में जाते पकड़ता है, तो हम ऐसा जात पकड़ लेते हैं कि आप लोग को उसका कांटे नहीं मिलेगा, नहीं ना जे, दोनों जात पार्टी की महिला है, लेकिन महिला है, हमारी जात है, ठीक है ना।